गंगाजल पर भी टैक्स, बीजेपी का हिंदुत्व एक्सपोज्ड, संबित पात्रा ने खुलेआम बोला झूठ। वैसे दोस्तों इस बात की दाद तो देनी पड़ेगी कि बड़ी ही चालाकी और बारीकी के साथ ठोक बजाकर झूठ बोलती है भारतीय जनता पार्टी। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? विपक्ष पर निशाना साधना बिल्कुल सही बात है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता ही रहता है, यही स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है। मगर इसके लिए आप बड़ा सा लंबा चौड़ा ट्वीट करके अगर झूठ बोलेंगे तो क्या लगता है आपको, आप पकड़े नहीं जाएंगे? अगर लगता है तो फिर भारतीय जनता पार्टी और उसके प्रवक्ताओं को ये गलतफहमी दूर कर लेनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों देश भर में बीजेपी ने ढोल नगाड़े पीटे हुए हैं कि एक बीजेपी को छोड़कर कोई पार्टी हिंदू या सनातन धर्म की हितैषी नहीं है। ऐसे में जब पवित्र गंगा जल के ऊपर GST लगाया जाएगा तो सवाल तो उठेंगे, वही सवाल अब पूछे जा रहे हैं। तो बीजेपी कह रही है विपक्ष झूठ बोल रहा है। अब ये झूठ है या सच है, इसका खुलासा एक एक जानकारी के साथ इस खबर में हम करेंगे दोस्तों। इसलिए आखिर तक इस वीडियो में आप बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाया और ये आरोप उन खबरों के सामने आने के बाद लगाया जिन खबरों में ये छपा है कि भारत की मोदी सरकार ने पवित्र गंगाजल पर टैक्स लगाया है। कितना टैक्स लगाया है? 18% GST लगा दिया है। लेकिन बीजेपी इसे लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे पर ही भड़क गई और कहा कि हम मान ही नहीं सकते। समित पात्रा का ट्वीट इस वक्त आपके स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है कि खड़गे जी, यह हैरान करने वाली बात है कि कांग्रेस पार्टी, जिसके इंडी गठबंधन के सदस्य लगातार सनातन धर्म के उन्मूलन की मांग करते हैं, वो अचानक हिंदू परंपराओं के हिमायती बन गए हैं। क्या यह आपकी सियासी चाल है? और अगर ऐसा नहीं है तो आप आरोप लगाने से पहले जीएसटी प्रणाली को बेहतर ढंग से समझ लेते तो अच्छा होता। आगे ये लिखते हैं कि जीएसटी दरें सरकार की मनमानी नहीं है, बल्कि जीएसटी परिषद के निर्णय हैं, जो केंद्र और राज्य दोनों सरकारों का प्रतिनिधित्व करती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि अधिसूचना 2/2017 के अनुसार गंगा जल जीएसटी से मुक्त है। इसके अतिरिक्त हमारे पवित्र अनुष्ठानों में उपयोग की जाने वाली पूजा सामग्री भी जीएसटी मुक्त है। गंगा जल पर 18% जीएसटी के बारे में आपका दावा पूरी तरह गलत है। ऐसा लगता है या तो आप गलत सूचना दे रहे हैं या जानबूझकर तथ्यों की विकृति कर रहे हैं। सरकार पर उंगली उठाने से पहले जीएसटी के बारे में जानकारी होना और सबसे महत्वपूर्ण बात ईमानदार होना आवश्यक है। तो यहाँ संबित पात्रा जो कह रहे हैं दोस्तों, उन्होंने ये जो ट्वीट है, लंबा चौड़ा जो ट्वीट है, ये मल्लिकार्जुन खड़गे के ट्वीट को लेकर किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने ट्वीट में क्या लिखा था? उन्होंने लिखा था कि मोदी जी एक आम भारतीय के जन्म से लेकर उसकी जीवन के अंत तक मोक्षदायिनी माँ गंगा का महत्व बहुत ज्यादा है। अच्छी बात है कि आप आज उत्तराखंड में हैं, पर आपकी सरकार ने तो पवित्र गंगा जल पर ही 18% जीएसटी लगा दिया। एक बार भी नहीं सोचा कि जो लोग अपने घरों में गंगा जल मंगवाते हैं उन पर इसका बोझ क्या होगा। यही आपकी सरकार की लूट और पाखंड की पराकाष्ठा है। बेशक देखिए दोस्तों, सवाल उठेगा कि कौन सही बोल रहा है और कौन गलत बोल रहा है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगी कि संबित पात्रा का दावा यहाँ खोखला नजर आ रहा है। और ये मैं किस आधार पर कह रही हूँ? अमर उजाला ने जो छापा है वो इस बात की पुष्टि करता है कि सरकार ने ही गंगा जल पर जीएसटी लगाया है। इस खबर में साफ साफ लिखा है कि केंद्र सरकार की गंगा जल आपके द्वार योजना 2016 में शुरू की गई थी। इसका मकसद लोगों को आसानी से गंगा जल उपलब्ध कराना था और डाक घरों की आय बढ़ाना था। शुरुआत में ऋषिकेश और गंगोत्री से आने वाली 200 और 500 मिलीलीटर गंगा जल की कीमत मिलाकर आप 28 और 38 रुपए होती थी। वर्तमान में डाक घरों में 250 ml की जो बोतल है दोस्तों, वो उपलब्ध करा रहा है डाकघर, जिसकी कीमत 30 रुपए थी। लेकिन 18% जीएसटी लगने के बाद इसकी कीमत 35 रुपए हो गई है। डाक विभाग के अधिकारियों के मुताबिक परिमंडल देहरादून से आदेश जारी किया गया है। ऊपर से आदेश आया है गंगाजल बढ़े हुए दामों के साथ इसलिए उपलब्ध कराया जा रहा है। और सुन लीजिए, खबर खत्म नहीं होती है। अगर आपने ऑनलाइन गंगाजल मंगाया तो 250 ml की यही बोतल आपको 125 रुपए में मिलेगी। दो बोतल 210 और तीन बोतल 345 रुपए में मिलेगी। ऑर्डर करने पर
डाकिये घर तक आपके होम डिलीवरी कर जाएंगे, लेकिन कितना पैसा लेंगे ये आप समझ गए होंगे। यही है हिंदुत्व, बीजेपी का हिंदुत्व, बहुत तगड़ा हिंदुत्व। अब समझिए ना, हमारे देश की सरकार ने, बीजेपी के तमाम नेताओं ने, दोस्तों हमारे देश की सत्ताधीन पार्टी के तमाम नेताओं ने, प्रवक्ताओं ने इस बात का डंका पीटा हुआ है कि विश्व भर से लेकर देश भर में प्रधानमंत्री मोदी ने सनातन को बहुत ज्यादा ऊपर उठाया है और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार जमकर किया है। अभी भी प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड होकर आए हैं, वहां मंदिर वंदिर के दर्शन करके आए हैं, शुरू से लेकर अब तक वो वही कर रहे हैं। प्रधानमंत्री होने के नाते हालांकि उनको ये शोभा तो नहीं देता है, हर धर्म का सम्मान करना उनको शोभा देता है, लेकिन चलिए अब अगर फॉलो कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपने जो छवि बनाई है अपनी कि आप हिंदुत्व समर्थक हैं, आप सनातन समर्थक हैं और सनातन को आप ऊंचाई तक ले जाना चाहते हैं, तो क्या यही ऊंचाई है कि आप पवित्र गंगा जल को इतना महंगा कर देंगे? जैसा मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, सनातन धर्म में हर एक जरूरी काम में गंगा जल का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। दोस्तों पवित्र माना जाता है, हर शुभ काम से पहले गंगा जल का छिड़काव होता है। अभी नवरात्रि है, नवरात्रि में गंगा जल से छिड़काव होगा, तो जाहिर है नवरात्रि का त्योहार आने वाला है, उस समय लोगों को गंगा जल महंगा पड़ने वाला है। अब हमारे देश की सरकार ने सनातन को इतना ऊपर पहुंचा दिया है कि भाई इतने में भी अगर मिलेगी बोतल तो लोग ले ही लेंगे, क्योंकि लोगों को तो इसी से फर्क पड़ता है शायद कि सनातन धर्म को ऊंचाई पर लेकर गए हैं प्रधानमंत्री मोदी, तो भले ही पेट्रोल कितने में भी बेचे हम वो खरीद लेंगे, महंगाई कितनी हो, आटा चावल कितने में भी बिके हम वो खरीद लेंगे, अभी गंगा जल कितने में भी बिके हम वो खरीद लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, चाहिए तो मोदी ही, यही कहते हुए नजर आएंगे ना आपको इनके तमाम समर्थक। लेकिन वाकई में क्या ये सही है दोस्तों? क्या इसको सही माना जा सकता है कि चुनाव के समय में, क्योंकि देखिए चुनाव के समय में भारतीय जनता पार्टी, अभी भी प्रधानमंत्री मोदी कई राज्यों में सनातन सनातन का प्रचार करते हुए नजर आए हैं, कई राज्यों में मंच से वो ये बोलते हुए नजर आए हैं कि विपक्ष सनातन के खिलाफ है, ये सनातन धर्म के खिलाफ है, आपको इनसे सावधान रहने की जरूरत है। फिर ये क्या है? सबसे जरूरी बात यहाँ ये है दोस्तों कि संबित पात्रा कह रहे हैं कि विपक्ष झूठ बोल रहा है, जबकि भारतीय डाकघर यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है, उसकी एक वेबसाइट का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया जा रहा है जिसमें 18% जीएसटी इंक्लूडेड है, ऐसा लिखा हुआ है बकायदा, और वो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपको हम दिखा भी रहे हैं। तो ये झूठ बोल रहे हैं संबित पात्रा जी, झूठ बोल रहे हैं या अमर उजाला की रिपोर्ट झूठ बोल रही है, कौन झूठ बोल रहा है? अगर सरकार को ऐसा लगता है या बीजेपी को ऐसा लगता है कि अमर उजाला ने गलत खबर छापी है और हमने कुछ गलत कहा है, तो वो अमर उजाला से जाकर संपर्क करे और कहे कि भाई तुमने ऐसी खबर कैसे छाप दी, अपनी वेबसाइट पर जाकर एक बार पता लगवाएं कि किसने 18% जीएसटी लिख दिया है, गलती से तो नहीं लिखाया होगा ना, किसी ने तो लिखा ही होगा ना, किसी ने तो छापा ही होगा उन्हीं के किसी अधिकारी ने। तो दोस्तों गोलमोल घुमाया जा रहा है, हिंदुत्व का लॉलीपॉप चटाया जा रहा है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।